Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट इंटरनेशनल, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं कश्मीर के लिए. हमारी फ़्लाइट है 7 o'clock की. मैंने आप लोगों को अचानक से बता रही हूँ, मैं सरप्राइजी कि मेरी पैकिंग अभी तो कुछ हो भी नहीं थी. ऑलमोस्ट अब सब कुछ हो गया है फाइनली, तो अब हम निकल रहे हैं. मैं आपको दिखाती हूँ हमारी पैकिंग. यहाँ होमो भी रेडी हो गई, या इब्राहिम भी रेडी हो गया. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. ओके, और ये भी रेडी हो चुके हैं. अभी हम लोग निकल रहे हैं. हमारा ये करो बेटा, हंसो ना, कुछ बोलो ना. शहबाज एकदम पसीना पसीना हो चुके हैं. सुनो, ये बात हमारे बीच में ही रहेगी कि हुमायरा का दांत टूटा है, मैडम का, बोचरिया दादा का, दादी का. मेरा दांत है. हम लोग निकल रहे हैं. बैग को ऊपर रखना पड़ा क्योंकि डिक्की में यहाँ पे सीएनजी है, इसलिए. फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे और अब हमारी फ्लाइट है 7 o'clock की. देखिए अभी एक नींद मार लेना चाहिए था. अच्छा, तो नहीं सोया तो उठता ही नहीं है भाई. बच्चों को काफी नींद आई हुई है. अच्छा, स्कैन होता है क्या? ओके, फिर वो ओपन होगा ना. चलो गेट. अच्छा, एक ही करके होगा है. पीछे जाओ तो. फ्रेंड्स, बहुत स्पीड में जा रहे हैं. हम लोग को लाउंज जाना है. नहीं ब्राइम, मेरा तो पेट में दर्द दे रहा है. क्यों? लोकेशन चेंज हो जाना. हुमायरा, अच्छा अच्छा बैठ बैठ. भर लो, अपन नहीं बैठ पाएंगे ना यहाँ पे. बैठ गए गाइस, हम लोग बैठ चुके बस में इंडिया की और अब फाइनली ट्रेन में जा रहे हैं. ऑलरेडी लेट हो गया है, लेट हो गया है. तो फाइनली तुम लोग जा रहे हो प्लेन में. हमारे दिल की इच्छा पूरी. ये हमारा एयर इंडिया का प्लेन. अब हम लोग इसमें चढ़ेंगे और मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मैं अब सो जाऊंगी अंदर जाते साथ क्योंकि रात भर से जागी हूँ मैं, बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ. पैकिंग कर बैठ रहे हो अभी आप फाइनली. हम लोग को दिल को सुकून मिला, सुकून मिला. आप सो जाएंगे ना अपन. सीधा प्लेन में जाएगी अभी इब्राहिम, है ना? रुको पापा के साथ, आप रुक जाओ, मुझे जाने दो. Oh my god. हे गाइस, तो अब हमारा प्लेन टेक ऑफ हो चुका है और ये है मुंबई सिटी. माशाल्लाह, ऊपर से तो इतनी प्यारी लग रही थी, सब बिल्डिंग्स 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 जगह जगह पर.
तो अच्छा लग रहा था हम लोग को देख के, और मेरे बच्चे ज़्यादा ही एक्साइटेड है क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम फ्लाइट था ये, तो लोग ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो उनको देख के मैं ज़्यादा खुश हो रही थी। जो मेरा फ्लाइट है वो अब सीधा दिल्ली जाएगा क्योंकि हमारा वाया फ्लाइट था मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू श्रीनगर, तो अभी हम लोग दिल्ली लैंड करेंगे 1 आवर 40 मिनट्स में। फिर उसके बाद श्रीनगर का हमारा जो फ्लाइट था वो डिले हो गया है, तो देखते भी वहाँ पे जाके पता चलेगा क्या। हम लोग प्लेन में खाना खा रहे हैं, हमारा को बेटा है वेज, मतलब उसी ने वेज ली और मैंने नॉन वेज ली थी, मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर ली। लंच भी नहीं है, डिनर भी नहीं, ब्रेकफास्ट है ये। बोलो ये ब्रेकफास्ट टाइम, दिस इज लाइफ, व्हाट इज ये, तुम ये प्लेन में आके ये खाओगे तो बोलोगे वाओ बहुत ज्यादा टेस्टी है, खाओ। सो गाइस कुछ टाइम में हम दिल्ली लैंड कर जाएंगे, तो अभी लैंडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फास्टन योर सीट बेल्ट्स बार बार बोल रहे, तो अब हम लोग वो सीट बेल्ट्स लगाएंगे और अब लैंडिंग की तैयारी हो रही है, दिल्ली एयरपोर्ट आ रहा है। हे फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं और यहाँ से मेरा श्रीनगर का फ्लाइट है, तो अभी मैं जा रही हूँ, टाइम है मतलब अभी है 1.5 घंटा और फ्लाइट को, वहाँ जाके पर बोर्डिंग पास वगैरह सब कर लेंगे तो फ्री हो जाएंगे। मैं मिलती हूँ आपको आगे के व्लॉग्स में, आगे के वीडियो में। हालांकि बहुत घाई घाई हो गई है, थोड़ा सा हमारी जो फ्लाइट थी वो चली गई। सो गाइस, मैं दिल्ली एयरपोर्ट से अभी श्रीनगर की फ़्लाइट में बैठ रही हूँ। एक्चुअली मुंबई से ही मेरा फ़्लाइट डिले हो गया था, जो 7 o'clock का फ़्लाइट था वो 8 o'clock को निकला था, तो हमारी जो वाया फ़्लाइट थी वो ऑलरेडी जा चुकी थी, तो इसलिए अभी हम लोगों को लोगों ने दूसरा बोर्डिंग पास दिए, दूसरे फ़्लाइट का दिए थे, तो इसलिए थोड़ा सा दिल्ली से भी डिले हो गया था। तो अभी मुझे पहुँचने को ही बच जाएगा कुछ, 1.5 या 2 तो बच ही जाएगा मुझे पहुँचते। तो अभी मैं निकल रही हूँ आगे के व्लॉग्स में, आप कंटिन्यू रहिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा, माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया हम लोग ने, तो आप प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिएगा मेरा। तो मैं मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट व्लॉग में, मैं आपको पहले श्रीनगर के पहाड़ दिखा देती हूँ, कितना खूबसूरत मंजर है, ऊपर से कितना अच्छा दिख रहा है, आप वो देख लीजिए, बहुत प्यारा लग रहा है। क्योंकि मेरे को विंडो सीट नहीं मिला था तो मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई, जो मेरे साथ बैठे थे विंडो सीट पर उन्होंने मेरा मोबाइल लेके शूट किए, तो वो स्लैंट पोजिशन में नहीं शूट कर पाए। तो अब जैसा भी कि आप देखो, इतना खूबसूरत लग रहा था ऊपर से, मुझे अभी से ही एक्साइटमेंट हो गई थी कि मैं कब पहुंचूं श्रीनगर। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अब यहीं पे मैं स्टॉप करूँगी इस व्लॉग को, इंशाल्लाह मैं आपको श्रीनगर से कंटिन्यू करूँगी। तो अभी ये व्लॉग को यही एंड किया जाए, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।